लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे बाउंड्स ऑफ अ सेट, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, एंड लास्ट बाउंडेड सेट। ये सब डिस्कस किए थे, किसी को याद है कुछ? सेट का डेफिनेशन याद है? व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज देर इज अ सेट एस। ठीक है, दिस एस इज एनी नन एम्प्टी सेट। ठीक है, एस में एलिमेंट्स है, नन एम्प्टी नहीं, एम्प्टी नहीं है वो। ठीक है, नन एम्प्टी है। दिस एस हैज अ लोअर बाउंड इफ देयर एग्जिस्ट के सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल X belongs to S। ये हो गया लोअर बाउंड का डेफिनेशन। क्या फिर आप ये बोल सकते हैं और K is called lower bound of S if X is greater than equal to K for all X belongs to S। दो वे है लिखने का, समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं? यस मैम। चलिए, लोअर बाउंड है तो वो रियल लाइन में है। रियल लाइन में इसका मतलब एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, पर इस एक्स एक्सिस में सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स। यहाँ पे कहीं जीरो है? आप रियल लाइन में या एक्स एक्सिस में कहीं भी खड़े रहते हैं, अगर लेफ्ट मूव करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगा और राइट मूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतना समझ में आता है? ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए कि अगर रियल लाइन में राइट मूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज करता है और लेफ्ट मूव करने से वैल्यू डिक्रीज करता है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि लोअर बाउंड, मतलब सपोज यहाँ पे हम एक बाउंड्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस रियल लाइन में। ये मेरा एक सेट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो मेरा सेट का एलिमेंट है। अगर हम ये बोल रहे हैं लोअर बाउंड, मतलब कोई एक ऐसा के जरूर मिलेगा जिससे इस सेट का सारा एलिमेंट बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, एग्जांपल देखे तो समझ में आएगा। मान लीजिए आप एक सेट लेते हैं 1 2, एक क्लोज इंटरवल है ये। आप लोग को ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ में आता है सबको? यस मैम। सबको समझ में आता है ना? ठीक है, 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड है, 1 और 2 के बीच जितना भी नंबर आप लेंगे, सारा नंबर या तो 1 के इक्वल, कुछ नंबर 1 के इक्वल होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सारा नंबर 1 से बड़ा होगा एक्सेप्ट दिस 1, बोल सकते हैं ना? तो इस सेट के लिए This one is the lower bound. एक हम सेमी ओपन सेट लेते हैं 1, 2 या ओपन सेट लेते हैं, इसके लिए बताइए तो लोअर बाउंड क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे इस सेट का सारा एलिमेंट बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है? वन,
होगा क्या? इसके इस केस में भी वन इज द लोअर बाउंड. इस सेट के लिए लोअर बाउंड क्या है? 1 2 3 4 वन. सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी. इसके लिए लोअर बाउंड वन वन वन. सेट ऑफ रियल नंबर के लिए लोअर बाउंड? सेट ऑफ रियल नंबर के लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर में लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मूव करते हैं. डिफरेंस क्या होता है वन? तो इसके माइनस इंफिनिटी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है. जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि लोअर बाउंड वन है, इसका मतलब अगर हम वन बोल रहे हैं तो आपको वन समझ में आ रहा है कि अच्छा वन क्या है. लेकिन इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इज जस्ट एन इमेजिनेशन. जो मेरा इमेजिनेशन है वही आपके इमेजिनेशन है, वो जरूरी तो नहीं है. इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखते. ठीक है. लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट. होल नंबर के लिए, होल नंबर में क्या होता है? जीरो. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन. तो होल नंबर के लिए लोअर बाउंड इज 1. समझ में आ रहा है कैसे किए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटरवल्स के लिए समझ में आ रहा है? इंटरवल्स के लिए ये पहला एग्जांपल जो था. एक और सेट, एक और सेट बनाते हैं. इनको लिखते हैं 1/n. ठीक है. ये एक सेट है जहां पे n का वैल्यू जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेते हैं. तो n इक्वल टू 1 के लिए इसको एक्सपैंड करेंगे. आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, पिंकी मैम पढ़ा रही है. ठीक है. तो इसमें 1/n अगर सीक्वेंस है मेरा, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, देन 1/2, देन 1/3 एंड सो ऑन. इस सेट के लिए चेंज करते हैं. सपोज एस इक्वल टू 1/n, दिस n बिलोंग्स टू कैपिटल N. तो इस सेट को अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये ऐसे आएगा. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप लोग इसका चेक कर चुके हैं. अब आप बताइए सेट के लिए लोअर बाउंड क्या होगा? तब तक हम यहाँ पे अपर बाउंड का डेफिनेशन लिखते हैं. चलिए, S is any non-empty set. S has a lower bound if there exists K such that all elements of S is greater than equal to K. ये important है बहुत. For all, ये for all के लिए होना चाहिए. अगर आप ये for all लिखना भूल जाते हैं तो ideally आपका definition wrong होता है. ठीक है. या फिर आप बोल सकते हैं K is called lower bound of S if X is greater than equal to K for all X belongs to S. इसको देखते हुए आप लोग अपर बाउंड डिफाइन कर सकते हैं. बताइए तो एनीवन, इस डेफिनेशन को देखते हुए क्या आप लोग अपर बाउंड डिफाइन कर सकते हैं? अपर बाउंड का मतलब क्या होगा कि सेट का सारा एलिमेंट उस अपर बाउंड से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तब ना वो अपर जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस बस यहाँ आएगा. x लेस देन इक्वल टू k तो नहीं बोलेंगे, दूसरा अपर बाउंड डिफाइन करें तो कैपिटल M ले लेते हैं. ठीक है. अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सेम. यहाँ पे लोअर की प्लेस पे अपर बाउंड, k के प्लेस पे आप कोई दूसरा नोटेशन यूज करिए और ये इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा. तो M इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ ए सेट या ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम. ठीक है, बताइए.
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक लिखा हुआ है? नो मैम, लेस देन होगा ना? यस, इट शुड बी लेस देन। ये लोअर बाउंड का डेफिनेशन था, ठीक है? ये होगा मतलब ऐसा एम आपको जरूर मिलेगा जिससे सेट का सारा एलिमेंट, ये फॉर ऑल याद रखिएगा, ये सब के लिए वैलिड हो रहा है, मतलब एस में जितना भी एक्स है, अगर एस फाइनाइट है तो सारा फाइनाइट एक्स एम से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है, और अगर एस इनफाइनाइट है तो ही ये वैलिड होगा, ठीक है? अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, लेकिन उस एग्जाम्पल के पहले जो पहला एग्जाम्पल है या पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो बनाइए। ये एस, एस के केस में 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, आपको बताना है व्हाट इज द लोअर बाउंड। अब क्योंकि हम लोग अपर बाउंड भी पढ़ चुके हैं तो डिस्कशन इज व्हाट इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, बताइए तो। अच्छा चलिए बताइए, एस का सारा एलिमेंट इससे छोटा है या उसके इक्वल? वन, तो अपर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड, इसका सारा एलिमेंट किससे बड़ा है या इक्वल? इसका सारा एलिमेंट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो बड़ा नंबर हो गया, इन्फिनिटी से वन बाय इन्फिनिटी जीरो, दिस इज जीरो। एस का सारा एलिमेंट जीरो से बड़ा है, ऐसे भी ये सीक्वेंस जो है कहाँ पे जाके कन्वर्ज करता है? जीरो पे कन्वर्ज, जीरो पे जाएगा, ठीक है? तो सारा वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, तो लोअर बाउंड ऑफ एस इज जीरो एंड अपर बाउंड ऑफ एस इज वन। क्लियर हो? यस मैम। तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर लेते हैं हम n, तो n के लिए लोअर बाउंड क्या था? 1, अपर बाउंड इनफिनिटी, इनफिनिटी नहीं बोल सकते, ठीक है? तो अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। सेट ऑफ इंटीजर के लिए लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। सेट ऑफ रियल नंबर के केस में भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? अगर हम कोई ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल लेते हैं, सपोज 1, 2, तो इस केस में लोअर बाउंड था 1, मतलब इसका लोअर वैल्यू, और इसका अपर बाउंड हो जाएगा 2, ठीक है? अगर हम ओपन इंटरवल लेते हैं तो भी इसका जो छोटा वैल्यू होगा ये लोअर बाउंड होगा, और इसका जो बड़ा वैल्यू है मतलब राइट हैंड साइड पे वो होगा उसका अपर बाउंड, ठीक है? अब तो हो गया लोअर बाउंड और अपर बाउंड, समझ में आया? Yes, ma'am. जिस सेट के लिए, yes, ma'am. Yes, जिस सेट के लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा वो सेट हमेशा बाउंडेड बिलो होगा, बिलो नीचे से, लोअर बाउंड हमेशा नीचे होता है ना, तो अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब इसका मतलब ये है कि बाउंड्री नीचे साइड से, तो दैट सेट इज बाउंडेड बिलो। अगर सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे कि दैट सेट इज बाउंडेड अबव, अपर बाउंड मतलब बाउंड्री फ्रॉम राइट, राइट मतलब अबव, ठीक है? ये हो गया सेट के केस में। तो अगर सेट में लोअर बाउंड है तो वो सेट बाउंडेड बिलो है, अगर सेट में अपर बाउंड है तो दैट सेट इज बाउंडेड अबव। इफ द सेट इज बोथ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, देन दैट सेट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट। डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी हम लोग ये दोनों डेफिनेशन पढ़ चुके, तो इसको रिलेट करते हुए हम लोग बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो डिफाइन करेंगे। एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट के सच दैट, ये लाइन लिखिएगा, ठीक है? ए सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट के सच दैट,
A set S is called bounded above if there exists M such that X is less than or equal to M for all X belongs to S. If a set has both upper and lower bound, then that set is called bounded set. या फिर if a set is bounded below as well as bounded above, that set is called bounded set. Clear हुआ यहाँ तक? Yes ma'am. Yes ma'am. अब बहुत important topic पे जाएंगे, ठीक है? ये हो गया boundary. अब हम लोग देखेंगे infimum and supremum. Infimum को हम लोग बोलते हैं greatest lower bound, ठीक है? And supremum ये हो जाएगा least upper bound. याद रहेगा LUB का मतलब है least upper bound, GLB greatest lower bound. तो ऑब्वियस से बात दिखाई दे रहा है, जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब लोअर बाउंड पे जाएंगे उसके बाद देखेंगे लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, अपर बाउंड देखेंगे अपर बाउंड में जो लीस्ट वैल्यू, यही इसका डेफिनेशन एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. बस ये तीन वर्ड जो आपको समझ में आ रहा है मीनिंग, बस यही इसका डेफिनेशन है. एंड दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड में जो सबसे छोटा इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन अपर बाउंड लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फिमम. लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आ क्यों रहा है, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट. जब हम लोग अपर बाउंड लोअर बाउंड बाउंडेड अबव बिलो और बाउंडेड पढ़ चुके हैं, तो फिर ये जी एल बी और एल यू बी का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, तो ये आपके प्रीवियस पेजेस में है. चलिए यहाँ देखते हैं, एस को हम लोग यहाँ से उठाते हैं फिर से, ठीक है, डिस्कस करने के लिए. चलिए मेरे पास एस था 1 by n, उस एक्सपैंड जब हम लोग कर रहे थे तो ये हो रहा था 1 by 2 1 by 3 1 by 4 and so on. इस सेट के लिए जो हम लोग लोअर बाउंड लिए थे तो था 0 एंड द अपर बाउंड वाज 1, ठीक है, ये समझ में आ गया था सबको? यस मैम. अब आप हमको ये बताइए कि माइनस वन लोअर बाउंड होगा या नहीं? नो मैम. क्यों? अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम किसी सेट के लिए लोअर बाउंड या अपर बाउंड डिफाइन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ऐसे सेट के लिए बताइए कि लोअर बाउंड क्या है. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दिस लोअर बाउंड इज जीरो, लेकिन जीरो इस सेट में है नहीं, पर इस सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसका हर एलिमेंट जीरो से बाउंडेड है. तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे इस सेट के अंदर है या नहीं, इस सेट के बाहर भी है तो चलेगा, लेकिन लोअर बाउंड और अपर बाउंड का डेफिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस वन एस का लोअर बाउंड है या नहीं? यस नो, दो ही ऑप्शन है. अंकिता मैम नहीं होगा. नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लोअर बाउंड के लिए डेफिनेशन क्या था? इफ के इज लोअर बाउंड देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट एस. अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि के प्लस से माइनस वन ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्स क्या है? yes, सारा वैल्यू है जो सेट में दिखाई दे रहा है, सारा वैल्यू तो वन से बड़ा है या नहीं? वन इज ग्रेटर देन माइनस वन, हाफ इज ग्रेटर देन माइनस वन, वन बाय थ्री इज ग्रेटर देन माइनस वन, ऑल आर पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन माइनस वन, ट्रू? तो लोअर बाउंड का ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, यस नो? कर रहा है या नहीं? सारा एलिमेंट एक्स का माइनस वन से बड़ा है तो लोअर बाउंड का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? आंसर प्लीज.
क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोले? मुस्कान, मैम क्या -1 इसका लोअर बाउंड हो रहा है या नहीं? पूजा प्योर आंसर करेगा? नो मैम, नहीं कर रहा है। कौन है, नाम बताइए। सदफ जा सदफ, क्यों नहीं कर रहा, एक्सप्लेन करिए। लोअर बाउंड के लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख चुके हैं कि के को हम लोअर बाउंड बोलेंगे कब, जब सेट का सारा एलिमेंट के से बड़ा या उसके इक्वल होगा। अगर हम के को -1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो एस का सारा एलिमेंट -1 से बड़ा नहीं हो रहा है? यस मैम, एस से बिलोंग नहीं कर। मेरा क्वेश्चन अभी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एस का सारा एलिमेंट -1 से बड़ा है या नहीं। मैम बड़ा है, बड़ा है, बस। बड़ा। अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किए कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड सेट में है या नहीं, इससे ये कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये कंसर्न था मेरा। ऐसे जीरो जो आप यहाँ लिखे, जीरो सेट में नहीं है, जीरो कहीं दिखाई नहीं देता है। आप बस इमेजिन करते हैं कि एट इंफिनिटी द वैल्यू विल बिकम जीरो। तो -1 लोअर बाउंड का सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया। समझ में आया सबको? यस मैम, -2 सेटिस्फाई करेगा? यस मैम। ऐसे करते हुए बहुत सारे नंबर सेटिस्फाई करेगा, -3, -3/2, -4, -5 एंड सो ऑन। यस मैम, ट्रू है। मतलब अगर हम सिर्फ लोअर बाउंड का सेट बनाएंगे तो मेरे पास लोअर बाउंड कितना आएगा बताइए। तो अगर हम लोअर बाउंड का कलेक्शन करें, ठीक है, तो कितना लोअर बाउंड मिलेगा बताइए। जीरो और -1 के बीच बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर। -1 -2 के बीच इनफाइनाइट नंबर। इसका मतलब है कि किसी एक सेट एस के लिए अगर हम लोअर बाउंड का कलेक्शन करें तो वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लोअर बाउंड। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस मैम, ठीक है। तो ये जो मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आया लोअर बाउंड का, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, सबसे बड़ा, उसको ही हम बोलेंगे इनफिमम। यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? जीरो -1 जीरो सॉरी मैम जीरो यस जीरो -1 से बड़ा, ठीक है। तो जीरो इज द इन्फिमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस। अब जो कॉन्सेप्ट एलवी के लिए लोअर बाउंड के लिए अप्लाई हुआ, वही अपर बाउंड के लिए भी होगा। इस सेट के लिए 1 अपर बाउंड है, 2 अपर बाउंड होगा। एस का सारा एलिमेंट 2 से छोटा है, 2 अपर बाउंड होगा। यस मैम, 3 अपर बाउंड होगा। यस मैम, 3/2 होगा। नो मैम, क्यों? 3/2 का मतलब 1.5। अगर 1 अपर बाउंड है, यस मैम, ठीक है। ऐसे करते हुए 4, 5, 6, आप लोग कोई अगर नेचुरल नंबर समझ में आ रहा था, यही से कितना अपर बाउंड मिल रहा है? इनफाइनाइट, मतलब एस के लिए वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अपर बाउंड। तो ये अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा, लीस्ट, एंड द लीस्ट वैल्यू इज 1। तो लीस्ट वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। तो 1 इज द
सुप्रीमम या एल यू बी ऑफ एस। आए समझ में? यस मैम। जी एल बी मतलब लोअर बाउंड का कलेक्शन किए और फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू ले लिए, एल यू बी अपर बाउंड का कलेक्शन किए और लार्जेस्ट वैल्यू ले लिए, सॉरी लोएस्ट वैल्यू ले लिए। आया समझ में? यस मैम। समझ में आ गया? तो बताइए तू 1 2 इस केस में इनफिमम और सुप्रीमम क्या होगा? क्लोज इंटरवल है, इनफिमम सुप्रीमम क्या होगा? अभी बताया ना क्लोज इंटरवल के लिए जो छोटा वैल्यू होता है वो होता है लोएस्ट बाउंड, और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होता है वो होता है अपर बाउंड। ठीक है, अब जो भी लोअर, अच्छा ठीक है, इससे बेस्ट होगा आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मेरा 1 एंड दिस इज 2, इसके बीच कितना नंबर है? इनफाइनाइट। लोअर बाउंड अगर 1 है तो 1 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे ना, तो जितना वैल्यू होगा सब लोअर बाउंड होगा, और 2 अगर अपर बाउंड है तो इससे राइट मूव करेंगे तो जितना नंबर आप ले आए ये होगा अपर बाउंड। ठीक है, तो 1 किससे लेफ्ट सारा अपर लोअर बाउंड का कलेक्शन, 2 से राइट सारा अपर बाउंड का कलेक्शन। तो लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है वो होता है इनफिमम। ये अगर 1 लोअर बाउंड है तो 1 से लेफ्ट बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा? ये 1। क्यों? क्योंकि लेफ्ट मूव करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज करता है, तो हम लोग 1 पे ही रहते हैं, 1 इज द लार्जेस्ट वन, इनफिमम हो जाएगा 1। अब चलिए अपर बाउंड में आते हैं। ये मेरा 2 अपर बाउंड है, ठीक है, तो 2 को लेते हुए हम राइट साइड मूव करेंगे, मेरे पास इनफाइनाइट अपर बाउंड आ गया। लेकिन अपर बाउंड में हमको सबसे लीस्ट वैल्यू चाहिए था, तो हम राइट साइड क्यों मूव करेंगे? हम यहाँ पे सारा अपर बाउंड देखेंगे, देखेंगे अच्छा 2 मेरा सबसे छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पे दिस इज 2। आए समझ में? यस मैम।